नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट्स कोर एनसीसी की वार्षिक रैली में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। एनसीसी इस साल अपनी स्थापना दिवस 75वां मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। रैली में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रैली हाइब्रिड डे और नाइट कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गई, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। और पीएमओ के मुताबिक वासुदेव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना में 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स को समारोह में शामिल हुए। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम की रचना हुई है, सिर्फ समय नहीं बदला है, स्वरूप भी बदला है। पहले की तुलना में दर्शक भी बहुत बड़ी मात्रा में है और कार्यक्रम की रचना भी विविधताओं से भरी हुई, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल मंत्र को गूंजता हुआ हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाने वाला यह समारोह हमेशा हमेशा याद रहेगा। और इसलिए मैं एनसीसी की पूरी टीम को, उनके सभी अधिकारी और व्यवस्थापक सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं।